स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम रिएक्शन के दौरान बनने वाले कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं वह रिएजेंट से रिएक्ट करके पहले एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। यह ट्रांजिशन स्टेट फर्दर एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि एक दूसरे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यदि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के पूरे प्रोसेस को एनर्जी डायग्राम से समझें तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा कि सबसे पहले सब्सट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। वह ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं और कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो रिएक्शन के दौरान बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इनके हाईली अनस्टेबल नेचर के कारण इनको रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वहीं अगर हम इंटरमीडिएट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट्स भी काफ़ी अनस्टेबल होते हैं लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के कंपेयर में रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम है, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है और इनकी स्टेबिलिटी के कारण ही हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट कर सकते हैं। सिंस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ही आइसोलेट किए जा सकते हैं तो हम मेनली रिएक्शन के दौरान बनने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनमें से 5 इंटरमीडिएट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हैं फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स। यहाँ पर हम मेनली फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वहीं कार्बीन और नाइट्रीन के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायंस और कार्बन आयंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्री रेडिकल्स ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रिएक्शन में होमोलिटिक क्लीवेज के दौरान बनते हैं। फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिसके कारण कार्बन के वैलेंस सेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं और इसीलिए यह फ्री रेडिकल बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अगर हम इस फ्री रेडिकल में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पता करें तो वह sp2 होती है। सिंस कार्बन के वैलेंस सेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करता है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बाद भी लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है क्योंकि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायंस की। तो अगर हम कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर देखें तो वह कुछ इस तरह से होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो चांसेस होते हैं कि कार्बोकैटायंस फॉर्म हो। जैसा कि नाम में ही है कैटायन, यानी कि ये स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और इनके पास MTP ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं।
यदि हम यहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, क्योंकि कार्बन ने केवल 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं। वहीं अगर हम कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें 6 मिलता है, और इसीलिए कार्बोकैटायंस एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। सिंस इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसीलिए ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बहुत सारी रिएक्शंस में बिहेव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कार्बन आयन की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ऐसे स्पीसीज जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। कार्बन आयन्स भी रिएक्शन के दौरान हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनते हैं। तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम पर शिफ्ट होते हैं तो कार्बन आयन बनते हैं और कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिंस इस कार्बन एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। और अगर हम यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, क्योंकि कार्बन एटम ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और कार्बन एटम के पास एक लोन पेयर है, जिसके कारण, और हम यह जानते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर 4 मिलता है तो एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। सिंस यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, और ये रिएक्शन में लुइस बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। चलिए हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है कि एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, और इसके बाद हमने बेस के बारे में पढ़ा। बेस ऐसे स्पीसीज होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड बेस को पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और टॉपिक के एंड में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली 5 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें पहला होता है फ्री रेडिकल, दूसरा होता है कार्बोकैटायन, तीसरा होता है कार्बन आयन, चौथा होता है कार्बीन, और पांचवा होता है नाइट्रीन। और इस टॉपिक में पढ़े कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।